पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी के जेर एहतमाम ईसा नगरी कराची के मसीहियों ने मणिपुर भारत में मसीही खवातीन को इज्तिमाई ज्यादती के बाद बढ़ना करके सरेआम सड़क पर घूमने गिरजाघरों और मसीही बस्तियों को जलाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी सिंध के सदर डॉक्टर लियाकत मुनव्वर सरोया और मुकामी पास्टर्स की डॉक्टर लियाकत मुनव्वर सरोया ने अक़वामी मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो भारत में मसीहियों पर होने वाले इंसान सोज वाकयात का नोटिस लें और इसमें मुलव्वस अफराद सियासी जमातों के ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मजीद उन्होंने क्या कहा जानते हैं। कोपर के नाम से जो अंधों को आंखें और मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखते हैं, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स ऑफ ईसा नगरी ने सजाया है, ये हमारी ईसा नगरी है, ये शहीदों की ईसा नगरी है, ये दलेरों की ईसा नगरी है, ये इस्लामाबाद वाली ईसा नगरी है, क्योंकि हमारे पहले जितने भी एमपी एमएलए थे वो ईसा नगरी से होते थे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार जो है उसने अपनी इंटरनेट सर्विस बंद कर दी थी मणिपुर के इलाके में, उनके गुंडे वहां पे थे ताकि कोई दुनिया को पता ना चल सके ये मोदी सरकार इसमें मुलव्वस था, क्योंकि ये वाकया 5 मई का है। 5 मई के बाद आज हम 30 जुलाई को यहाँ पे एहतजाज करने आए हैं, उसकी वजह यह है कि मोदी सरकार ने अपने इंटरनेट सर्विस बंद करके दुनिया को रोक दिया था कि आप जो है इस वीडियो को ना चलाएं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कल तुम मुसलमानों पर जुल्म करते थे, कल तुम कश्मीरियों पर जुल्म करते थे, आज तुम मसीहों पर जुल्म करते हो। ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा जिंदा खुदावंद अपना बदला लेता है, अपने लोगों की हिफाजत करता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आज यहां पर जो जमा है ये इसलिए जमा है कि युवाओं को बुतादा कहते हैं, युवाओं यूरोपीय यूनियन और अमेरिका और जितने भी बड़े बड़े मालिक हैं जो चैंपियन है जमहूरियत के, उनको ये बताना चाहते हैं कि 2 महीने तक आपने इस वीडियो को जारी क्यों नहीं होने दिया, आपने जानबूझ के मसीहियों पे जुल्म करवाया, और ये जुल्म जो है ये जुल्म आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ये मोदी सरकार जब से बैठी है इसमें जनता दिल के लोग हैं, इसमें सारे लोग हैं जो फंडामेंटलिस्ट हैं। हम ये कहते हैं कि ये वो रियासत है जो फंडामेंटलिस्ट डेमोक्रेसी है इसकी, और इसको हम इससे पुरजोर मजम्मत करते हैं, इससे पुरजोर मजम्मत करेंगे। आपने सिर्फ हमारा साथ देना है। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जितने भी मसीही पाकिस्तान से बाहर हैं, अगर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो वो इंडियन एम्बेसी के सामने उनका झंडा जलाएं, अगर झंडा नहीं जला सकते तो कम से कम एहतजाज जरूर करें। और के साथ साथ मैं तमाम मसीही कलीसिया से, मसीही पास्टर साहबान से अपील करता हूं कि आप खुदारा मणिपुर के मसीहों के लिए दुआ कीजिए, इंडिया के मसीहों के लिए दुआ कीजिए, ताकि उनसे कोई शरण आए, कोई आंच ना पहुंचे, क्योंकि वो हमारे बहन है, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बेटियों में ये शब्द फोन मारा गया है। आपने ये जो है आपने ये काम करना है, आपने अपने सारे रिश्तेदारों को बोलना है कि आप जो है आप जहां जहां भी हो, आप जर्मन में हो, आप अमेरिका में हो, आप लंदन में हो, आप जिस मुल्क में भी हो, आप जो है एहतजाज करें ताकि मसीहियों का ये कौमी मसला जो है
ये मसीहों कौमों से इसलिए है कि देखो कुछ दिन पहले स्वीडन में एहतजाज हुआ, हमारी स्लेव की पैरवी करके हमें नुकसान पहुंचाया गया, हमें जेली इज्जत दी गई, इसकी भी हम मुजम्मत करते हैं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम भी हमारे साथ उठे, पाकिस्तानी उलमा भी हमारे साथ उठे, पाकिस्तान की मजहबी सियासी व समाजी जमातें व सोशल जो जमातें हैं वो भी हमारे साथ दें और मणिपुर में जो है ये जुल्म और तशद्दुद बंद हो, मसीहियों का तोहफा दिया। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाह पाकिस्तान जिंदाबाद।